1300 प्रवासी ने बचाने इटली ने लॉन्च किया ऑपरेशन, 14 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना सीएम की बेटी से ईडी की पूछताछ जारी, के कविता दिल्ली शराब नीति मामले में तलब की गई, हैदराबाद में बाय बाय मोदी के पोस्टर्स। शी जिनपिंग के वफादार ली क्यांग बने चीन के प्रधानमंत्री, इनके जीरो कोविड पॉलिसी की पूरी दुनिया में हुई आलोचना, अब इकोनॉमी संभालने का जिम्मा। ईडी को बीजेपी नेताओं के घर का रास्ता नहीं पता, कपिल सिब्बल बोले जांच एजेंसी राजनीतिक हुई बीजेपी के इशारे पर चलती है। रूस का दावा यूक्रेन बायोलैब को फंड दे रहा यूएस, पुतिन के रक्षा मंत्रालय ने कहा जहरीले हथियार बनाए जा रहे, हमारे पास सबूत। होली पर जापानी लड़की को छेड़ने वाले पुलिस हिरासत में, लड़की भारत छोड़कर बांग्लादेश गए, जबरदस्ती रंग लगाने वाले 3 लड़कों में एक नाबालिग। यूएस का सिलिकॉन वैली बैंक बंद, लगातार घाटे और फंडिंग न मिलने से शेयर 60% तक गिरे, अमेरिकी इतिहास में बैंक डूबने का दूसरा बड़ा मामला। पोस्ट बजट वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले बजट का वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर और उनके कौशल को समर्पित। कंगाली का सर नेशनल डे परेड लॉन में होगी, और पाकिस्तान नहीं आएंगे विदेशी मेहमान, महंगाई समेत कई संकटों में घिरा पाकिस्तान। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली बार 2 मौतें, अब तक 3038 केस मिले, वायरस ने बढ़ाई सभी की चिंता। अमेरिका बढ़ते प्रवासियों से परेशान, तो रूस आबादी ना बढ़ने से ट्रंप का जोर, मांग बढ़ानी है तो अमेरिकी ज्यादा बच्चे पैदा करे। नीति आयोग ने गोमूत्र गोबर पर जारी की रिपोर्ट, कहा खेतों के इस्तेमाल किया जाए केमिकल खाद इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। नासा इसरो का सैटेलाइट लॉन्च, अगले साल निसार से आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी, सीमा पर चौकसी में मदद। केरल में 54 डिग्री जैसी गर्मी, मार्च में तापमान 50 डिग्री के पार, अभी से लू हीट स्ट्रोक खतरा बढ़ा। सऊदी ईरान की दुश्मनी खत्म होगी, 7 साल बाद अपनी अपनी एम्बेसी खोलेंगे दोनों देश, पर्दे के पीछे चीन ने कराया समझौता।